आज इसको ये कहना चाहता हूं, तीन चीज याद रखना है। एक आपका तबीयत, हेल्थ। नंबर टू सेफ्टी, सिक्योरिटी। तीन चीज कम्युनिकेशन। फर्स्ट हेल्थ, जो सऊदी अरेबिया में आप लैंड होते हैं, बहुत गर्मी होता है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, आपका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दी जो ज़्यादा सा हीट है, उसके वजह से आपको डिहाइड्रेशन होने का चांस है। आपके साथ में ORS पाउडर, ग्लूकोज, पानी का बॉटल, हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड वॉशिंग करना, COVID-19 प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है। एयरपोर्ट में एयर फ्लाइट के अंदर विदाउट मास्क अलाउड नहीं है, सो कंपल्सरी मास्क पहनना है। सो नंबर वन आपका हेल्थ है। जमजम पानी इतना ज़्यादा पीते हैं उतना अच्छा होता है। जमजम पानी में भी जो फ्रीज का है, इमिडिएटली जो ठंडा पानी मत पियो, उसलिए जुकाम कोल्ड आ रहा है। दो तीन इंसिडेंट इसके पहले कोई नीचे बस गिर गया, उसको निकाले, फोन निकाले, उसको पकड़ के लेके जाके जेल में डालना। सो ये सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हज कमेटी ट्रेनिंग कैंप में उसको डिटेल्स आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। थर्ड आइटम कम्युनिकेशन। आपका सिम कार्ड एक्टिवेट करना है। जो खाजमुल उज्जाज हैं उनके साथ आप रेगुलरली बातचीत करना है। आप जाने के बाद जो आपका टेंट कहाँ है, टेंट का नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये प्रॉब नोट करके रखना, अगर बाई चांस अगर मिस हो गया तो उनसे बात करना है। सो इसे all arrangement due to our chairman and officials. I'm so happy. Out of 10 embarkation centers, I already visited 7. I can say the Hyderabad arrangement is very good. I appreciate Muhammad Salim sir and the team. I visited all state Hajj committee. I can say the best chairman, dynamic chairman, I can say that is our great chairman. Once again, I appreciate all of you. I can say very small. Vice Chairman Hajj Committee of India Begum Munawari Begum, Chairman Telangana Hajj Committee Salim Sahab, Janab Anif Ali Sahab, Members Central Work Council. So, bhai bhai bol ke rehna bol ke apne country ke liye bhi, world ke liye bhi work kariye. So, khushi khushi bolo rehna bol ke. Abhi aapko Irfan ne 2 minute batayenge aur number wagera, uske baad Mufti Sahab dua karenge. उसके बाद सीधा बस में आप लोग को चलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे बैठे हुए हमारे सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन, मेरे बड़े भाई एपी अब्दुल्ला कुट्टी साहब, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मेरे भाई सलीम साहब, मेरे साथ यहाँ तशरीफ लाए हुए मेरे बड़े भाई मोहम्मद हनीफ अली साहब, जो मेरे साथ सेंट्रल ऑफ काउंसिल के भी मेंबर हैं, और बाकी हज कमेटी के जितने मेंबरान यहाँ मौजूद हैं, उन सबको मेरा सलाम, और आगे बैठे हुए हाजी भाइयों और बहनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह, 2 साल के कोरोना पेंडेमिक के बाद आज अल्लाह ने हमको ये मौका फराहम किया है कि हम हज पे जा रहे हैं, और जितनी सारी बातें मौलाना आपको बताई हैं ये सब अपने ध्यान में रखिए, और उससे बढ़ के मैं आपको एक 2 टिप्स देना चाह रही हूँ। पहली बात, आप सऊदी में जाएंगे, मक्का में ठहरे या मदीना में ठहरे, मेहरबानी करके ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि कोरोना तो ख़त्म हो गया है मगर एक तरह से फ्लू चल रहा है। उस फ्लू से 3 दिन बुखार आती है, आदमी को तोड़ देती है, RT-PCR में भी उसका रिजल्ट नहीं आता। दूसरी बात, जब आप अपनी रसोई में कुछ पकाएं, क्योंकि इस बार बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते
मैंने आप लोगों की बिल्डिंगों का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। एक जमाना था बाथरूम के अंदर 4 फीट का रास्ता नहीं था, हमने उस बाथरूमों को बड़ा बनाया। हज कमेटी हज से जाने वाले हाजियों के लिए 30 लोगों का एक किचन था, उसको मैंने कम करके 25 लोगों का एक किचन 10x15 के रूप में बनवाया है। वजह यह है कि 2018 में 2 बार फायर एक्सीडेंट हुआ है मक्का में। अब लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि जब फायर एक्सीडेंट हो गया तो ये हाजियों की गलती थी, एक हाजी की गलती से बिल्डिंग जल जाती है। तो आप जब कभी भी कुछ भी पकाएंगे, मेहरबानी करके गैस का चूल्हा बराबर ऑफ करके जाइए। आप लोगों के लिए हमने बड़े फ्रिज रखाए हैं चूल्हे से दूरी पे, उन फ्रिजों का इस्तेमाल कीजिए। वॉशिंग मशीन आप लोगों के लिए बाथरूम में रखवाई गई है, मशीन यूज करने के बाद उसको बराबर ऑफ कीजिए, क्योंकि जब बिजली हमारे काबू में है तो काम आती है, वो हमारे काबू से निकल जाती है तो हमको बेलगाम कर देती है। तो मेरा बहनों और भाइयों से यही एक मशवरा है कि पानी का ख्याल रखें, आइस वाटर ना पिए। आप जमजम जब हम तवाफ करके वहां से वापस आते हैं तो बहुत ठंडा पानी अंदर दिया जाता है, लाइन से लगा हुआ रहता है ड्रम, उसी से लोग पकड़ के पीते हैं। हमने सऊदी गवर्नमेंट से ऑब्लिगेशन रखी है कि नॉर्मल वाटर रखें, मौका अच्छा नहीं है। अब आप देख लीजिए कि किस हिसाब से पानी को यूज करना है, खाना कम खाना है, पानी ज्यादा पीना है। और वहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, जितना पानी पिएंगे उतना सेहत के लिए अच्छा है, मगर पानी नॉर्मल पिए। और आप लोगों को हज का बहुत बहुत दिली तहे दिली से मुबारकबाद। और यहाँ की हैदराबाद की हज कमेटी ने जो इंतजाम किया है उसके लिए मैं हज कमेटी के चेयरमैन को भी और हज कमेटी के अरकान को भी मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। لبيك اللهم لبيك
हज इस्लाम का ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين اجمعين اما بعد بزرگان اللہ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये हज कैंप में शामिल हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, जीएमआर, कस्टम्स, जीएचएमसी, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, 20 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हमारे लिए दुआ करिए, हमारे देश के लिए दुआ करिए, हमारे स्टेट तेलंगाना स्टेट के लिए दुआ करिए। जामिया निजामिया, शेखुल जामिया निजामिया से गुजारिश करता हूँ कि वो मनासी के हज फजाइल हज पर बयान फरमाएं। मैं जनाब मोहम्मद सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لبيك اللهم لبيك لبيك لا